हे गाइस, वेलकम टू मी ट्रैवल्स। और गाइस, आज मैं वॉचेस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा टॉप 3 वॉचेस जो आप बाय कर सकते हो अंडर 2000। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लेट है। लास्ट वीक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके कई रीजंस थे, मेरे एग्जाम्स थे। अब मैं एक काफ़ी अच्छी वीडियो लाया हूँ आप सबके लिए। और आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट वॉचेज़ हैं, तो कहीं तो अभी मैंने ओपन भी नहीं की, तो आपके साथ ही करूँगा। और अगर कैसे आपने इन दोनों वॉचेस का रिव्यू देखना है, तो मैंने इन दोनों वॉचेस का रिव्यू पहले से ही किया हुआ है, तो ऊपर आई बटन पे कार्ड आ रहा होगा, आप उस पर जाके क्लिक करके इन दोनों वॉचेस का भी रिव्यू देख सकते हो। एक्चुअल में दोनों वॉचेस एक जैसी थी और एक ही टाइप में थी कैटेगरी में वीडियो में, तो मैंने बोला रिपीट नहीं करते। तो गाइस, पहली वॉच जो मैं आपको दिखाऊँगा वो है टाइमेक्स की। ये वॉच गाइस पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है फिट होने के बाद। ये गाइस वॉच है ऑल ब्लैक, ब्लैक डायल और सिल्वर शेल। अब इसे ओपन करते हैं 2 मिनट। तो ओपन करने के बाद तो ये वॉच गाइस कुछ ऐसी लगती है, मेरे को नहीं पता कैमरा पे कैसे दिख रही है, एक बार मैं आपको क्लोज शॉट दे दूंगा। तो गाइस, ये जो वॉच है मैंने अमेजोन से परचेज करी थी, ऑल ब्लैक, पूरी ब्लैक वॉच है ये। ब्लैक कलर का लेदर का स्ट्रैप मिलता है, शेल सिल्वर कलर का है और जो डायल है वो फुल ब्लैक है, और जो सेकंड हैंड है वो येलो कलर का मिलता है। ओवरऑल गाइस, अगर मैं इसे इसकी बात करूँ तो मेरे को इसकी क्वालिटी सच बताऊँ ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट जिस पे मिलती है। जितनी भी वॉचेज गाइस मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब गाइस, इसका जो डायल साइज अमेजोन पर लिखा है वो है 40 mm, बट मेरे को 40 mm लगता नहीं, मेरे को लगता है 30 mm का डायल साइज़ है। तो अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो अज्यूम यही करना कि 38 mm है, बिकॉज जो नेक्स्ट वॉच मैं आपको दिखाऊंगा टाइटन की, इसका डायल साइज़ जो है वो 40 mm है, और वो फील भी आपको होता है कि हाँ थोड़ा सा इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ है जो डायल का पूरा है। ओवरऑल इसकी फिनिश अच्छी है, इसमें क्या आपको डेट नहीं दिखती, सिर्फ आपको टाइम मिलता है, और कोई भी हैंड इसका ल्यूमिनस नहीं है, ग्लो एट नाइट वाला वो वाला सीन इसमें कुछ है नहीं। एक बार मैं आपको आउटडोर में भी दिखाऊंगा कि ये कैसी लगती है वॉच, और गाइस इन सारी वॉचेस के शॉट्स भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइस, अब बात करते हैं दूसरे वॉच की जो है टाइटन की। ये गाइस जो वॉच है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, रीज़न बीइंग इसका डायल का कलर। अब वो ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है गाइस वो वॉच, ये ग्रीन कलर के डायल में आती है, और गाइस मैं आपको सच्ची बताऊँ, ग्रीन कलर के डायल में आपको कोई ज़्यादा वॉचेस नहीं मिलती, बहुत रेयर है कि आपको कोई ग्रीन डायल की वॉच मिलती है। और ग्रीन डायल एक काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव सा डायल हो चुका है, मैं बताऊँगा। इसकी ना जो आउटडोर में ग्रीन आपको दिखेगा वो बिल्कुल अलग होएगा इंडोर से, तो इसमें भी मैं आपको आउटडोर का एक बार ग्रीन दिखाऊंगा। अब गाइस इसकी बात करूँ तो इसका जो स्ट्रैप है वो पेस्टल ग्रीन कलर का है, जो डायल है डायल का जो सेंटर है बिल्कुल वो एक अलग ग्रीन कलर का है, और जो साइड पर ग्रीन मिलेगा वो एक मैट फिनिश में मिलता है। ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जाता है। एक चीज़ इन दोनों वॉचेस में जो कॉमन है वो है कि इन दोनों का जो सेकंड हैंड है वो येलो कलर का है, मेरे को नहीं पता क्यों येलो कलर का है, बट येलो कलर का है, और थोड़ा सा ग्रीन के साथ मैच करता है और थोड़ा सा वाइब्रेंट लगता है, मतलब एक अच्छी लुक मेरे ख्याल से मेरे को ये लगी। आप बताना आपको येलो कलर का सेकंड हैंड कैसा लगता है, वैसे डिसेंट है। और गाइस ये देखो, अब आप इन दोनों के डायल साइज़ में डिफरेंस देख सकते हो, ये 40 mm है और अमेज़ॉन पर लिखा है कि टाइमेक्स की जो वॉच है, ये सीरीज़ जो भी है मेरे को याद नहीं, आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, ये भी 40 mm है, बट ये मेरे को 38 mm लगती है और ये 40 mm लगती है। तो आप मेरे को बताना कि आपको भी कोई डिफरेंस फील हो रहा है, आपको पता चल रही है वीडियो में देखने के बाद। तो इसमें भी गाइस आपको प्योर अच्छा लेदर्स का स्ट्रैप मिलता है, 50 mm वाटर रेजिस्टेंस आपको मिलती है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। सारी जितनी भी ये जो वॉचेज हैं सारी क्वार्ट्ज है, कोई भी इनमें से ऑटोमेटिक वॉच नहीं है, और इनका भी जो साइड पर शेल मिलता है वो भी सिल्वर है, और जो क्राउन मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्रिंटेड क्राउन इसमें मिलता है, उसका भी क्राउन वैसे सेम ही है, ऑलमोस्ट दोनों के जो क्राउन है टाइटन और टाइमेक्स के सेम ही है। बट ये गाइस जो वॉचेस हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक अलग सी लुक देंगी। ये गाइस ऑल ब्लैक होने के बाद भी आपको ज़रा सा भी एक बोरिंग या डल लुक नहीं देता, और ब्लैक गाइस सारी आउटफिट्स के साथ मैच करेगा। तो अगर आपको कोई एक ही वॉच लेनी है तो आप इसके लिए जा सकते हो, बिकॉज ये इसका साइज़ भी अच्छा है, 38 mm एक्सेप्टेबल होता है, और ब्लैक काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है तो किसी भी आउटफिट के साथ मैच करेगा। ग्रीन भी आप ले सकते हो, बट आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये होएगा। आपको मैं सारे कलर्स बड़े ही क्लोजली दिखाऊंगा इंडोर आउटडोर में भी, तो आप अपना बाइंग डिसीजन उससे सिलेक्ट कर सकते हो। अब गाइस जो है लास्ट वॉच आज की लिस्ट में, एक्चुअल में वो वॉच मेरे पास है नहीं,
बट वो वॉच एक काफ़ी ज़्यादा वर्थ थी मेंशन करने के लिए, और मैं उसे यूज़ कर चुका हूँ शायद 2-3 बार। तो गैस ये स्क्रीन पे आपकी आ रही है कैसियो की वॉच, ये है एक ब्लू डाइल की, और जो आपको इसमें साइड पे ब्रेसलेट मिलता है वो सिल्वर ब्रेसलेट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देता है। अब गैस इसकी अगर मैं वाटर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये भी 50 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ट्रिपल फोल्ड क्लैप मिलता है इसमें आपको जो ब्रेसलेट का मिलता है, और गैस ये कि काफ़ी ज़्यादा अंडर 2000 में अफोर्डेबल एक कैटेगरी में आपको एक एलिगेंट सी ड्रेस वॉच मिल जाती है। ऑल दो मैं इन दोनों को भी ड्रेस वॉच कहूँगा, और फॉर्मल वियर में आप कोई भी वॉच यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ब्लैक कलर वाली टाइमेक्स हो, ग्रीन वाली टाइटन हो। ये गैस वर्कवेयर सीरीज़ की है, और टाइमेक्स की सीरीज़ का मेरे को सच बताऊँ तो याद नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं। और अगर ये टाइटन की जो हमारे पास सिल्वर ब्रेसलेट है, इन तीनों में से कहता अगर आपको कोई भी वॉच एवरीडे के लिए चाहिए या थोड़े से ड्रेस वेयर के लिए चाहिए तो मैं तीनों को रेकमेंड करूँगा, बिकॉज ये तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉच हैं। मेरे को बताना आपकी गाइस इसमें से फेवरेट वॉच कौन सी होगी। चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब कर देना, हर वीक नई वीडियो आती रहती है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के ऊपर कि भाई कोई वॉच के ऊपर वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से कह रहा था कि अब वॉच के ऊपर वीडियो आएगी। तो गाइस फाइनली वीडियो आ चुकी है वॉच के ऊपर, मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी। किसी भी वॉच के बारे में अगर आपने गाइस कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Till then guys, ride safe, take care and bye.